मैंने भी देखा था एक व्हाट्सएप कहीं से चला था जिसने लिखा था कि आपके पीरियड के दौरान नहीं ले सकते, या पूछते हैं कि मैम कोविड लेना, वो कोविशील्ड लेना है, कोवैक्सीन लेना है, स्पुतनिक लेना है। सो बहुत सारी महिलाओं ने हमारे को भी ओपीडी में बोला है कि कभी कभी पीरियड जल्दी आ रहा है या लेट आ रहा है या लाइटर हो रहा है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है, it's a very big physical and a mental stress to the body. Now, stress itself is known to be the reason for the menstrual disturbances. ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं बार-बार, मैं वैक्सीन लगाएं ना लगाएं, लगाएं ना लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने एक रिपोर्ट वैक्सीन और महिलाओं के पीरियड्स को लेकर छापी, जिसमें बताया गया कि तकरीबन ब्रिटेन और यूएस की 4,000 महिलाओं ने वैक्सीन लगाने के बाद पीरियड्स में अनियमितताओं की शिकायत की। हालांकि इस पर जांच कमेटी कब बैठेगी, इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन हम भी आपके लिए कुछ इसी तरह की एक रिपोर्ट लेकर आए थे, जिसके बाद हमने देखा कि 100 से ज्यादा महिलाओं ने इसी तरह की कुछ शिकायतें की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि, आपके लिए वो तमाम सवालों के जवाब लेकर आई हैं। और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो डॉक्टर अंजलि हमारे साथ मौजूद हैं उनकी क्या कुछ खासियत है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंजलि कुमार, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रीशियन, 30 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, गायनोकोलॉजी सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में डायरेक्टर हैं, द गायनी क्लिनिक में डायरेक्टर हैं, और सबसे खास बात यह है कि आपका ये जो चेहरा है वो बहुत जाना पहचाना इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यूट्यूब पर एक मैत्री चैनल है और महिलाओं की तमाम मुद्दों को लेकर, महिलाओं की सेहत को लेकर ये आपको हर चीज बताती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अंजलि कुमार हमारे न्यूज तक कार्यक्रम में आने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए एंड मेरे व्यूज आप सबके रीडर्स को शेयर करने के लिए। तो देखिए पहला सवाल, क्योंकि हमने जो इससे पहले भी डिस्कस किया था, जो मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स भेजी थी, तो क्या वाकई में जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो महिलाओं के पीरियड्स पर असर डाल सकती है? क्योंकि हमें भी कई तरह के इस तरह के मैसेजेस आए, डीएम्स आए और महिलाओं के कमेंट आए, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? सो देखिए अभी तक जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि ना तो कोविड इन्फेक्शन से ना तो कोविड-19 की वैक्सीन से मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कोई भी साइंटिफिकली असर पड़ सकता है। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, दीज आर एनेक्डोटल रिपोर्ट्स। एनेक्डोटल का मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वी आर नॉट डिनाइंग कि शायद ऐसा नहीं हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा, दैट इज वाई लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई उसका साइंटिफिक बैकिंग नहीं है कि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि जिसकी वजह से कोविड 19 की वैक्सीन से आपके पीरियड को डिस्टर्बेंस हो सकती है। सो बहुत सारी महिलाओं ने हमारे को भी ओपीडी में बोला है कि कभी कभी पीरियड जल्दी आ रहा है या लेट आ रहा है या लाइटर हो रहा है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। इंटरमेंस्ट्रुअल का मतलब यह है कि दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना। लेकिन जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है, वो कहती है कि ऐसी कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से कोविड 19 की वैक्सीन से, आई एम रिपीटिंग अगेन, इवन कोविड इन्फेक्शन की वजह से पीरियड पे असर हो। हमें यह समझना है कि कोविड 19 का जो इन्फेक्शन है, इट्स अ वेरी बिग फिजिकल एंड अ मेंटल स्ट्रेस टू द बॉडी। नाउ स्ट्रेस इटसेल्फ इज नोन टू बी द रीजन फॉर द मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस। माने हमारे जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, दे टिपिकली हैपन बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर जनरेटेड फ्रॉम द ब्रेन। So, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारे ब्रेन पे, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी लेवल पे अफेक्ट करती है, वो टेक्निकली हमारे पीरियड को डिस्टर्ब कर सकती है। सो अभी तक जो लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहती है, प्रोबेबली इट इज जस्ट द स्ट्रेस विच इज एसोसिएटेड विद द कोविड-19 इन्फेक्शन एंड द वैक्सीन। सी गोइंग फॉर द वैक्सीन ऑल्सो आई हैव सीन इज अ वेरी बिग डिसीजन। ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं बार बार, मैम वैक्सीन लगाएं ना लगाएं, लगाएं ना लगाएं। So, I mean, you know, there's a lot of thought which is going on in the mind. Probably that can be the reason. But abhi tak WHO ya CDC ki jo bhi guidelines hai, unmein aisa kahin bhi koi scientific report nahi hai.
तो आपने कहा कि आपके ओपीडी में भी कई महिलाएं शिकायत करती है, हमारे पास भी जिन महिलाओं ने कमेंट करके लिखा कि उन्हें हैवी पीरियड्स हैं, क्रैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी को डिले हुआ, किसी को जल्दी हुए, तो ऐसे में उनको क्या सलाह देती हैं आप? और उनमें अगर महिलाओं के अंदर वो टेंशन भी है और उसकी वजह से अगर उनके साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए इस टेंशन को दूर करने के लिए? सो आई वुड से अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है, तो सबसे पहली चीज तो आपको एक डॉक्टर से मिलना है, बिकॉज देयर मे बी समथिंग एल्स व्हिच इज सिटिंग देयर. हो सकता है कुछ और हो जो कि अंदर डेवलप हो रहा है, एंड इट इज जस्ट कोइंसिडेंटल, यानी कि बाई चांस ये वैक्सीन के टाइम ही ये अभर के आया है. सो बहुत जरूरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, एक प्रॉपर चेकअप कराएं कि कहीं कुछ और अंडरलाइन पैथोलॉजी तो नहीं है. और जितना हमने देखा है, जिन लोगों ने ये कंप्लेन भी किया है, ये बहुत ही ट्रांजिएंट सिम्टम्स हैं. ट्रांजिएंट मतलब प्रॉबेबली दे मे जस्ट लास्ट फॉर अबाउट वन और टू साइकल्स, एंड उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. सी वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोविड 19 इन्फेक्शन एंड कोविड 19 वैक्सीन इज समथिंग विच इज वेरी न्यू फॉर अस. You know, there is, as doctors also, we are understanding, we are still understanding what's going on. We are still yet to find out what is going to be the full impact of the COVID-19 infection and vaccine. So, jab aap vaccine lete hain, it actually affects at the immunological level, at the cellular level. So, maybe, shayad, kuch response hoga, jo ki aaj tak, हमें नहीं पता. आई एम कोटिंग अगेन, अभी तक की जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहती हैं वो ये कहती हैं कि कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट बाय एंड लार्ज आई कैन से इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू गो इन फॉर द वैक्सीन, बिकॉज द रिस्क ऑफ गेटिंग अ कोविड 19 इन्फेक्शन वर्सेस अ लिटिल बिट ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, आई थिंक यू शुड चूज गेटिंग अ वैक्सीन. अच्छा, कुछ महिलाओं ने कहा कि किसी को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो क्या ऐसे में वैक्सीन लेना सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल. So please, all of you who are listening, you must take the vaccine. Don't let these small things come into the vaccine, come into the way of getting a vaccine. Please, vaccine zarur lagwaiye, because uski risk jo hai wo zyada risky hai to get the COVID-19 infection. So, jo ye vaccine hai, uske baad jin mahilaon ko is tarike ki dikkatein bhi aa rahi hain, to kya ye long lasting ho sakti hai, ya phir ye bahut, jise aapne kaha ki bahut kam samay ke liye hai, lekin agar ye kam samay ke liye bhi hai aur हमें इससे भी निजात पानी है और हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी डेली लाइफ के रूटीन में कौन कौन सी चीजों को हमें बदलने की जरूरत है? सो पहली बात तो जैसे मैंने बोला, ये बहुत ही ट्रांजिएंट है. ट्रांजिएंट माने कि खाली उसी साइकिल में होने की उम्मीद है. अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पीरियड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या बहुत ज्यादा हैवी साइकिल्स हो रहे हैं, डेफिनेटली इट कॉल्स फॉर अ गायनी एग्जामिनेशन. लाइक आई सेड, हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो, हम सोच रहे हैं कि कोविड-19 वैक्सीन की वजह से है. सो सबसे पहली चीज, आपने अपने डॉक्टर से मिलना है. ऑब्वियसली डॉक्टरी सलाह को आपने फॉलो करना है. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज आप पहले से करें वैक्सीन लेने से पहले, कि आपको कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट गो विद अ फ्री माइंड, टेक अ वैक्सीन, हैव अ फुल ट्रस्ट इन द वैक्सीन. ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि हम जनरली लोगों को बोलते हैं जिनको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फॉलो करने के लिए, कि ऑब्वियसली फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मेक श्योर कि आपका वेट जो है वो ऑप्टिमम कैटेगरी में है, आप हेल्दी डाइट लेती हैं, आप गुड एक्सरसाइज करती हैं, यू आर स्लीपिंग वेल. यू नो, फॉर ऑल ऑफ यू टू नो, इनएडिक्वेट स्लीप, इनएडिक्वेट you know, good quality sleep is one of the reasons of irregular periods. It's as simple as that. So follow these small, small tips to make sure that your periods are regular. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सच में कोई बहुत ज्यादा problem लग रही है, definitely आपको doctor के पास आना है. क्या कोरोना महिलाओं को लेकर या महिलाओं और इस तरह की कौन कौन सी चीजों पर एक लॉन्ग लास्टिंग असर पड़ सकता है जो कोरोना ने महिलाओं को दिया हो, या फिर महिलाएं जो कोरोना से संक्रमित हुई हो, उन पर कौन कौन से लॉन्ग लास्टिंग असर हो सकते हैं? सो फॉर्चुनेटली अभी तक हमने ऐसा कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कोरोना की वजह से इन विमेन नहीं देखा. ऑफ कोर्स कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि हर आदमी को अप्लाई करते हैं. नो, वी आर सीइंग कि कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स, क्लॉटिंग इफेक्ट प्रॉब्लम, यू नो, सम पीपल हैड हायर इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स लेटर ऑन. लेकिन एक चीज एक जनरल पॉपुलेशन को अप्लाई करती है, विमेन में पर्टिकुलर इन पीरियड्स या उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमने ऐसा कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अभी तक नहीं देखा है. अब कोरोना को आए हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ऊपर हो गया,
लेकिन अभी तक उस 1.5 साल में हम लोगों ने ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देखा है। आपके लिए किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है पूरे 1.5 सालों में? इट्स बीन लाइफ चेंजिंग, मतलब आई कैन से आई कैन इवन काउंट दोस डेज जब मुझे रात रात को 1-1 बजे फोन आते थे लोगों को ये कि मैम हमारा पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, उसकी डिलीवरी करानी है, बेड नहीं मिल रहा है, पीपल प्लीडिंग, पीपल क्राइंग। आई मीन मुझे लगता है कि ये जो मेमोरीज हैं आपके आपके अंदर कहीं ना कहीं रह गई हैं। ऐसा टाइम जो एक डॉक्टर को भी जिसने बिल्कुल झिझोर के रख दिया, यू फील सो हेल्पलेस एट दोज टाइम्स। देयर वाज अ टाइम जब सेकेंड वेव थी, जब बहुत कहीं बेड्स नहीं मिल रहे थे, it was a very difficult time. In fact, I also had COVID in between second wave mein. I was fortunately hume vaccine lagi thi to hamari disease itni zyada serious nahi hui, but my father had it, my husband had it. So the you know, if you think of the impact that how COVID can affect you and your family, wo bhi ek thought bada hi difficult thought tha. To baat ab garbhavati mahilaon ki karte hain ki, kyunki kai logon ne humse pucha ki kya garbhavati mahilaon ko vaccine dena safe hai? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन लोगों ने भी अप्रूव कर दिया है, देयर आर प्रॉपर रिकमेंडेशंस दैट प्रेग्नेंट वुमन कैन टेक द वैक्सीन एट एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि पूरे 9 महीनों में कभी भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। एंड मैं सबसे ये अपील करूंगी, प्लीज टेक द वैक्सीन, डू नॉट डाउट द वैक्सीन। वैक्सीन लेने से अगर आपको कुछ भी दिमाग में डाउट है, वो ज्यादा वो इतना मायने नहीं रखता जितना कि COVID-19 इन्फेक्शन अगर आपको प्रेगनेंसी में हो जाए, वो ज्यादा एक सीरियस बात है। सो प्लीज डू एवरीथिंग व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड द COVID-19 वैक्सीन, COVID-19 इन्फेक्शन। आई रियली होप दैट वी डू नॉट गेट द थर्ड वेव, बट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। Please take the vaccine. Even after you've taken the vaccine, please do not forget all the safety protocols. हमेशा मास्क पहन के रखना है, सही ढंग से मास्क पहन के रखना है। मैं ये सबको बोलती हूँ कि मास्क जो है एक एक्सेसरी नहीं है जो कि आपके गले में है, आपको प्रॉपरली पहनना है। मेक श्योर कि आप मास्क को सामने से टच नहीं कर रहे हैं, आप केवल साइड से टच कर रहे हैं। आपको बार बार अपने हाथ धोने हैं, 20 seconds तक हाथ धोने, खाली ऐसे से करके नहीं छोड़ देना है, 20 seconds तक वॉश करना है। Or if you're using a sanitizer, buy a sanitizer which has got at least 60% alcohol into it. Proper distancing maintain करें, ये सारी बातें सब जगह हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उसको सही ढंग से follow करना एक अलग चीज है। कई लोगों ने पूछा है, कई लोगों ने पूछा है कि क्या periods होने के time पे vaccine ली जा सकती है? बिल्कुल लगाना, बिल्कुल लेना है। आई डोंट नो, मैंने भी देखा था एक व्हाट्सएप कहीं से चला था जिसने लिखा था कि आपके पीरियड के दौरान नहीं ले सकते, या कोई आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट किसी भी पीरियड के टाइम पे आप वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। ये भी एक बहुत सवाल हमसे लोग पूछते हैं कि मैम कोविड लेना, वो कोविशील्ड लेना है, कोवैक्सीन लेना है, स्पूतनिक लेना है। So the WHO also actually says कि सबसे best vaccine क्या है, जो आपको nearest और easily available है। So वो vaccine लेना है। Please don't find excuses to not take a vaccine। जो breastfeeding महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, क्या वो vaccine ले सकती हैं? उनके बच्चों के लिए कोई खतरा तो नहीं? बिल्कुल ले सकती हैं vaccine। Non-pregnant के लिए safe है, pregnant के लिए safe है, breastfeeding के लिए safe है, breastfeeding mothers के लिए safe है, बिल्कुल ले सकती हैं। तो ये सवाल एक और है जो महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएं कोविड पॉजिटिव हैं, क्या वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं? सो माँ को क्या डर होता है कि अगर माँ पॉजिटिव है तो कहीं बच्चे को ना लग जाए। सो ब्रेस्ट फीडिंग के जो फायदे हैं वो दे आउटवे एनी पॉसिबल रिस्क। सो ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल करानी है। ऑफ कोर्स ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस लेनी है। जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आपको मास्क पहनना है एंड अपने हाथ अच्छे से वॉश करने हैं बिफोर टचिंग द बेबी। एंड जब आपने ब्रेस्ट फीड कर दिया तो आप बेबी को अपने किसी और फैमिली मेंबर्स को, केयर गिवर्स को दे सकते हैं, जो कि आपसे बच्चे को ऑलमोस्ट 6 feet की दूरी पे रखेगा जब तक आप COVID-19 इन्फेक्शन से ठीक नहीं हो जाते हैं। एंड अगर किसी वजह से मदर इतनी ज्यादा सिक है कि वो बिल्कुल बच्चे को होल्ड भी नहीं कर सकती, तो भी आप अपना जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक्सप्रेस करके अपने किसी फैमिली मेंबर को दे सकते हो, जो कि आपके बेबी को फीड कर सकते। तो कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि कुमार,
और हम आशा करते हैं कि जितने भी लोगों ने ये तमाम सवाल पूछे थे और लगभग लगभग कुछ एक ही तरह के सवाल पूछे थे पीरियड्स और वैक्सीन को लेकर, वो अब अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और मैत्री चैनल उनका खुद का है, तो आप वहां पर जाके भी मैम को परेशान कर सकते हैं और उनसे सवाल पूछ सकते हैं।